बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी रचा ली। स्वरा ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही कई तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। अब बरेली के मौलाना ने स्वरा की शादी को लेकर कहा है कि ये शादी जायज ही नहीं है। स्वरा पहले इस्लाम कबूल करें, इसके बाद ही उनका निकाह जायज माना जाएगा, ऐसा कहना है बरेली के एक मौलाना का। दरअसल बरेली दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि शरीयत इस्लामिया का सीधा सीधा नजरिया है और हुकूम है कि अगर लड़की गैर मुस्लिम है और उसने इस्लाम मजहब कबूला नहीं है और लड़का यदि मुसलमान है तो उन दोनों का रिश्ता जायज नहीं माना जाएगा। मौलाना ने कहा कि जरूरी ये है कि लड़का हो या लड़की, पहले वो इस्लाम मजहब कबूल करे। इस्लाम कबूल करने के बाद लड़के से निकाह होगा तो वो निकाह जायज माना जाएगा, वरना नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे ये साफ बताया गया है कि फहद अहमद ने स्वरा भास्कर से निकाह तो किया लेकिन स्वरा ने इस्लाम मजहब कबूला नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों की शादी शरीयत और इस्लाम की रोशनी में जायज नहीं है। ज़रूरी ये है कि पहले इस्लाम कबूल करें, उसके बाद जो इस्लामी रस्म व रिवाज हैं उनके मुताबिक निकाह हो। ये निकाह जायज माना जाएगा तभी जब दोनों मुसलमान होंगे, वरना नहीं। बीती 17 फरवरी को स्वरा ने ट्विटर पर शादी समारोह से तस्वीरें साझा की थी। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि वो अब शहनाई वाली शादी की तैयारी कर रही हैं। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।